जय हिंद दोस्तों। 3 अक्टूबर को बादल फटने से सिक्किम के तीसा नदी में बाढ़ आ गई थी। तीसा नदी के ऊपर ही सेना की बटालियन कैंप लगाए हुए थे। बादल फटने से तीसा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा, जिस कारण सेना का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ कारण काफ़ी सैनिक लापता हो गए थे। इसी दौरान बहरोण क्षेत्र के बाडोंद के निवासी सैनिक भवानी सिंह चौहान पुत्र नरेश सिंह चौहान भी बाढ़ की चपेट में आने से शहीद हो गए। शहीद भवानी का पार्थिव शरीर शनिवार देर शाम सिक्किम से हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली लाया गया। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार से पूर्व शहीद भवानी सिंह अमर रहे और भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंजमयन हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी ग्रामीण की आंखों से आंखों की धारा बहने लगी। कस्बे में शहीद भवानी की सूचना मिलने पर पूरा बाजार बंद रहा। शहीद भवानी सिंह का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक खेत में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गगनभेदी नारों के बीच अमर रहे वीर बलिदानी भवानी सिंह अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंजमयन हो गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिवानी भवानी जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।